सलाउद्दीन अयूबी पता है ना आखिरी वक्त रो पे सी, सलाउद्दीन अयूबी आखिरी वक्त रो पे सी, दो गल्लां तो रोया सी, या अल्लाह तू एहो जी तलवार क्यों नहीं बनाई जेड़ी मेरे भी सीने च लगदी, मैं शहादत नहीं हासिल कर सकया। ये रो पे सी सलाउद्दीन अयूबी जदों मौत आई, ते दूसरी गल तो रोया सी, या अल्लाह तू मैनू मौका ही नहीं दिता, ना मैं तेरा घर वेख सकया, ना तेरे नबी का घर वेख सकया। हुजूर सारी सलाउद्दीन अयूबी हज नहीं किया सारी जिंदगी। मैं इनसे पूछता हूं 50-50 हज करने वालों से, किस मुंह से हुजूर के सामने जाते हो? सलाउद्दीन अयूबी का तो आज सदियां गुजर गई, क्यों जी 581 हिजरी च, यानी 6वीं हिजरी च होया ना आपका विसाल, ते अज केड़ी हिजरी है, तो कितने 100 साल हो गए सलाउद्दीन अयूबी नू? ए तेरे 50 हज किते, तेरे ते पुत्र भी नहीं जानते तू 50 किते या नहीं, जिन्हें एक भी नहीं किया, लेकिन नबी की इज्जत उत्ते पहरा दिता, नबी की इज्जत उत्ते पहरा किंज दिता। मुसलमाना का काफिला शाम तो मिस्र जा रहा, ते सलीबी जनरल बुरनुस उन्हें मुसलमाना के काफिले उत्ते हमला कर दिता, मुसलमान ने हत्ते सन, वह बड़बड़ा उठे, हाय हाय शुरू हो गई, वो बुरनुस कह लगा है ना मुहम्मद हुकुम उदुओ यंसरो कुम, उन्हें तंज किया, उन्हें कहा तुम जो कहते हो तुम्हारे नबी तुम्हारे मददगार हैं, नबी तो मत कहते हो हाजिर और नाजिर हैं, नबी जो ना हमारी हर चीज को देख रहे हैं, तो बुलाओ मुहम्मद को तुम्हारी मदद करे, ये लफ्ज उसने कहे। सलाउद्दीन अयूबी तक ये खबर पहुंच गई, सलाउद उसने 581 हिजरी में ये बात की, सलाउद्दीन अयूबी बीमार हो गए, मन्नत मन्नी, उन्हें कहा या अल्लाह मैनू मौत ना देवी, मैं आज तेरे सामने दो मन्नता मान रहा, एक ते मैं सारी सल्तनत लुटा देंगा, खजाने ते जखीरे सारे सरफ कर देंगा, बैतुल मुकद्दस मैं सलीबियों को वापस ले आवांगा, ते या अल्लाह दूसरी मेरी मन्नत एवे, लयक्तुलन्नल बुरनुसा साहिबल कुरके बेयदी ही लियन्नाउ नकजल अहदा वतनकसर रसूला, या अल्लाह दूसरी मेरी मन्नत एवे के बुरनुस जिन्हें ए गल की एना मुहम्मद हुकुम उदुओ यंसरो गुम। हुजूर कितने जुमले है, हुजूर के अरबों गुस्ताखियां, अरबों गुस्ताखियां इस वक्त हो रही हैं, इस वक्त भी हो रही हैं नेट के जरिए। बताओ तुम्हारी टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बड़े हमारे पढ़े लिखे हमारे बच्चे भी कहते हैं मैं फलां टेक्नोलॉजी की जानता हूं, मैंने कहा बताओ तेरी टेक्नोलॉजी हुजूर की इज्जत के काम ना आई, असी ओदे ते पेशाब करना टेक्नोलॉजी ते, जेड़ी टेक्नोलॉजी ते जेड़ा हथियार हुजूर की इज्जत के काम ना आया असी उन्हें अग ला रही, साडे नाल गल्लां करदे हो बड़िया बड़िया टेक्नोलॉजी। सलाउद्दीन अयूबी तीन जुमले बरदाए ना मुहम्मद हुकुम उदुओ यंसरो कुम, इतना जुमला क्या, सलाउद्दीन अयूबी मन्नत मन्नी, उन्हें कहा या अल्लाह मैनू मौत ना देवी, मैं अपने हाथ ना इनू कतल करना, इनी जुर्रत किवें होई तेरे नबी दे खिलाफ गल कीती इन्हें, हुजूर दे खाके बणदे रहन, शाह जी नू हैरान वास्ते मेहनत की जाए, हुजूर कैसा इस पाकिस्तान की खिदमत है, पाकिस्तान तो इसलिए बना था कि सैयद कोई खड़ा हो जाए MNA के लिए और उसके मुकाबले में जितने गुंडे हों तो सैयद को हराकर गुंडों को वोट दिलवाना है, पाकिस्तान तो इसलिए बना था, हमारी बच्चियों की इज्जत तो इसलिए लुटी थी कि लब्बैक का जो नारा लगाएगा उसको मस्जिद से निकाल दिया जाएगा, जो खत्मे नबूवत पर तकरीर करेगा नौ दौलती कमेटियां वो कहेंगी हम आपने खत्मे नबूवत पर तकरीर की इसलिए कि हमारी जमात ने उस पर डाका डाला और तुम हमारी जमात को हिट कर रहे हो और उसको चोटे लगा रहे हो, तुम कौन होते हो नबी की बात करने वाले, हमारी जमात की बड़ी इज्जत है, पाकिस्तान इसलिए बना था कि रसूलुल्लाह की खत्मे नबूवत पर तकरीर करने वाले सैयद को मस्जिद से जवाब दिया जाएगा। मैं जिस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं वो पाकिस्तान क्या सारे जहान अरब जहान भी ओमन उस खाक बराबर नहीं हो सकते जिथे मेरे आका ने एक बारी पांव मुबारक रखा, पाकिस्तान दे पुत्र ना होवन ते जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं, सुन तू भी सुन तेरे यार भी सुने, जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या, जिथे हुजूर की इज्जत पर बात करना जुर्म बन जाए और लब्बैक के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को कहा जाए लब्बैक ही खड़े हुए थे और तेरे बाप की तरफ से खड़े होते, खड़ा तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए होना था ना, इन्होंने